हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज मैं आप सभी के लिए कह रही हूँ ग्लोबल हाइलाइट्स विथ 3D टेक्निक। आप इसको कुछ डिफरेंट टेक्निक भी बोल सकते हो। मैंने दो कलर आज किया अपने क्लाइंट पे, आप देख सकते हो, एक है रेडिश ब्राउन एंड एक मैंने ब्लॉन्ड कलर दिया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड या जानना चाहते किस तरह से आपको ये वाला हाईलाइट अचीव करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल होगी, लास्ट में अप्लाई कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बगल में बेल आइकन है उसको हिट कर सकते हो, यानी नोटिफिकेशन बेल को, ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो मिस नहीं हो। सो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं यूज़ करी स्ट्रिक्स की अल्ट्रा लाइट ब्लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर के लिए मैं लॉरियल का 40 वॉल्यूम यूज़ करूँगी एंड स्ट्रिक्स का 20 वॉल्यूम यूज़ करूँगी। गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, 40 वॉल्यूम का यूज़ करना है एंड स्ट्रिक्स का ब्लॉन्डर पाउडर। मैंने 1:1 रेशियो रखा है, ये रहा ब्लॉन्डर पाउडर एंड सीरम भी मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। सो गाइज, एक्चुअली उस टाइम वीडियो बनाने का कोई मेरा प्लान नहीं था, बाद में मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोग की बहुत हेल्प होगी, इसमें मैंने क्लाइंट से ही पूछ लिया था। सो ब्लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर का रेशियो क्या है, 1:1 मैंने रखा है, एकदम प्रॉपर 1:1 देना है आप लोगों को। 40 मिलाइएगा, 20 का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें प्री लाइटिंग करना है, तो 40 का यूज़ करना। इवन आप 30 का भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको ब्लॉन्ड कलर चाहिए, एस ब्लॉन्ड चाहिए, तो आपको 40 ही यूज़ करना होगा। 1:1 थिक थोड़ा सा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हेयर को क्लीन कर देना यानी शैम्पू। नेक्स्ट आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है। नेक्स्ट गाइस, आपको क्लीन हेयर में हाइलाइट्स करने हैं, ऑयल नहीं होना चाहिए एंड कंडीशनर भी नहीं होना चाहिए। गाइस, सबसे पहले आपको बॉक्स सेक्शन डिवाइड करना है इस तरह से एंड ईयर टू ईयर हेयर डिवाइड करना है एंड पीछे में 2 पोर्शन, टोटल 5 पोर्शन हमें हेयर को डिवाइड करना है एंड उसको अच्छे से टाई कर लेना है। नेक्स्ट गाइस, आपको नए पेरिय से स्टार्ट करना है। पीछे में हमने 2 पोर्शन कर दिया है तो दोनों तरफ साथ ही साथ हो रहा है। सो एक पोर्शन आपको निकालना है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। नेक्स्ट आपको स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक की मदद से इस तरह से वेविंग करना है, कॉम्ब की पीछे वाली पॉइंट जो होती है उसकी मदद से। पहले आपको नीट कर लेना, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप अच्छे से कर लो। नेक्स्ट गाइस, आपको थोड़ा गैप दे दे के इस तरह से हेयर को निकालना है, इसे हम वेविंग बोलते हैं एंड इस टेक्निक को हम स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक बोलते हैं। नेक्स्ट आपको अल्मोनियम फॉल के रफ वाले पार्ट में थोड़ा सा ब्लॉन्डर पाउडर को पहले अप्लाई कर देना था एंड जो मिक्सचर आपने बनाया है। नेक्स्ट आप ब्रश की मदद से एप्लीकेशन करोगे, रूट से 1 या 2 इंच छोड़ के आपको हाइलाइट्स करनी है एंड इस तरह से अल्मोनियम फॉल को रैप करोगे। गाइज, अल्मोनियम फॉल में हवा नहीं जाना चाहिए, अच्छे से क्लोज कर देना है उसको। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है आप लोगों को एंड इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है एंड आपको वेविंग करना है। गाइज, हाइलाइट्स करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप घर में किसी के भी हेयर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप हाइलाइट्स ही करोगे। इस तरह से आप घर पे भी क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा हेयर लेके बस कॉम की मदद से निकालना सीखोगे, जैसे कि मम्मी सिस्टर किसी पे भी प्रैक्टिस कर लो। मैं तो बोलूँगी फैमिली मेम्बर पे ही प्रैक्टिस करो, ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट आपको कॉम की मदद से इस तरह से टाई करना है अल्मोनियम फॉयल में। नेक्स्ट आपको ब्लॉन्डर पाउडर को अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको अच्छे से एप्लीकेशन करना है। सो गाइज, आई थिंक आप समझ गए होंगे। एंड ये ब्लॉन्डर पाउडर कितनी देर रहता है क्लाइंट के हेयर में, डिपेंड करता है क्लाइंट के हेयर पे। क्लाइंट के हेयर अगर वर्जिन है सो उनके हेयर में ना 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। मेरे क्लाइंट के हेयर में 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हो गया था क्योंकि बहुत फास्ट हमने उस दिन एप्लीकेशन की थी। सो किसी किसी के हेयर में 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट भी लग जाता है, मैक्सिमम आपको 45 मिनट या 50 मिनट रखना है, डिपेंड करता है क्लाइंट के हेयर पे। बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं, हीना लगा लेते हैं, डाई करके आते हैं एंड वो हमें नहीं बताते हैं एंड बाद में होता है कि रिजल्ट नहीं आता है जैसा उनको चाहिए होता है। सो मेक श्योर आप क्लाइंट से पूछ लोगे ये बात कि आपने कब डाई किया था, आप हीना तो नहीं लगाते हो, तो इन सब से भी बहुत फ़र्क आता है। अगर किसी को ये वाला हाइलाइट चाहिए जो मैंने अपने क्लाइंट का किया है, जैसे कि एस ब्लॉन्ड आप देख सकते हो या फिर गोल्डन ब्लॉन्ड आप बोल सकते हो, सो ये वाला हाइलाइट तब भी आएगा गाइज जब आपके क्लाइंट के हेयर अच्छे हो, वजन हो, उन्होंने कम से कम 1 या 2 साल पहले हीना अप्लाई किया होगा। अगर वो रेगुलर हीना अप्लाई करते होंगे ना तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता, थोड़ा सा आपको येलो अंडरटोन में रिजल्ट मिलेगा। सो मेक श्योर आप ये सब बात अपने क्लाइंट से पूछ लोगे। तो साथ ही साथ गाइज, हो रहा है आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैं आप लोग को शो कर रही हूँ। पहले मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो शूट करूँ, बट मैंने सोचा क्या आपसे शेयर कर लेती हूँ। एंड गाइज, हम लास्ट में मतलब इसके बाद क्या करेंगे, कलर डिपॉजिट करेंगे। तो कलर डिपॉजिट हम गोल्डन ब्राउन देंगे एंड एक मैंने इंटेंस रेड लाइट ब्राउन कलर दिया है। तो गाइस, दो कलर जब हम करेंगे ना तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है करना, मतलब कि आपको कंफ्यूजन भी होगा मैम कैसे हम करें, दो कलर मिक्स तो नहीं हो जाएगा मतलब, बट ऐसा नहीं, मैं आपको जो तरीके से बताऊंगी ना आप उसी तरीके से करना।
डायरेक्टली गाइज आप चाहे तो ट्यूब से भी हाईलाइट कर सकते थे, जैसे कि 40-40 वॉल्यूम में आप ट्यूब को मिला लेते, जैसे कि एक आप अलग से बाउल में कर लेते गोल्डन कलर, एक अलग से बाउल में कर लेते रेड कलर। बट होता क्या है बहुत बार ना डायरेक्टली ट्यूब से कलर आता नहीं है जैसा हमें डिज़ायर कलर चाहिए, सो इसलिए मैंने प्री लाइटनिंग की है। एंड प्री लाइटनिंग से गाइज सिर्फ आपको सेम कलर मिलता है, इससे आपको कोई डिफरेंट कलर नहीं मिलेंगे। इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है गाइज, लंबी चौड़ी, अगर मैं आपको समझाने जाऊँगी ना तो ख़त्म ही नहीं होगी। बेसिकली बस आप ऐसा समझो 40 वॉल्यूम हम यूज़ इसलिए करते हैं, 40 वॉल्यूम का तभी यूज़ किया जाता है जब आपके क्लाइंट को कम से कम 9 से 10 शेड लाइट जाना होता है। एंड अगर आप 30 का यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा ब्राउन टोन में कलर मिल जाएगा आपके हेयर में, 20 का यूज़ करोगे तो एकदम डार्क ब्राउन कलर आपको मिल जाएगा। सो ब्लॉन्डर पाउडर एक ही कलर आपको देगा, ये कोई डिफरेंट कलर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ये ओनली ब्लॉन्ड, ब्राउन, डार्क ब्राउन, एस ब्लॉन्ड कलर ही प्रोवाइड करेगा। सो अभी ये हमारा कलर डिसाइड नहीं करेगा, इसके ऊपर हम अपने अकॉर्डिंग कलर को डिपॉजिट करेंगे एंड क्लाइंट से पूछ के। मेरे क्लाइंट का था चॉइस कि उनको 2 कलर चाहिए था, तो इस वजह से मैंने उनका किया। एंड ज़्यादा पोर्शन मैंने ब्लॉन्ड का रखा था, मैंने थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन में रेडिश ब्राउन का शेड दिया था। तो चलिए आप यहाँ पर देख लो अच्छे से हो रहा है। एंड पीछे वाले पोर्शन हो जाने के बाद हमें ईयर टू ईयर वाले हेयर में करना है, नेक्स्ट हम बॉक्स सेशन करेंगे। टोटल आपको 25, 27, 28 स्ट्रिप लग सकता है, डिपेंड क्लाइंट के हेयर में कितना बाउंस है, कितने मोटे पतले इनके हेयर है। 7-7 स्ट्रिप मैंने लगाया था पीछे में एंड इधर 2-2 लगेगा, एंड 5 स्ट्रिप लगा था बॉक्स सेक्शन में, तो आप जोड़ लो कितना हुआ, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। सो ईयर टू ईयर वाले हेयर में 2 ही स्ट्रिप लगाइएगा, ज़्यादा सही रहता है। एंड जितना आप गैप रखोगे वेविंग में ना, जैसे आप कॉम से निकालते तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सो चलिए आप यहाँ पे देख लो मैं किसी से कर रही हूँ। ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट आपको बॉक्स सेक्शन के पास करना है। तो इस वक्त क्या हुआ था, मेरा कैमरा ना ऑफ हो गया था, क्योंकि उस दिन ना बहुत ज़्यादा क्लाइंट की रस भी थी पार्लर में, सो इस वजह से ना मैंने बैटरी चार्ज नहीं की थी तो ऑफ हो गया था। तो 3 स्ट्रिप मैंने लगा लिया है, मैं दिखाना भूल गई क्योंकि मैंने बोला ना कैमरा ऑफ हो गया था, मैं कैसे आपको शो करती। सो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ 3 स्ट्रिप में यहाँ पे लगाऊंगी। सो टोटल 6 स्ट्रिप लगे थे बॉक्स सेक्शन में। आपको इस तरह से बॉक्स सेक्शन में हेयर को निकालना है गाइज, एंड जैसे प्रोसेस हमने पीछे में किया सेम उसी तरह से कर लेना है। सो गाइज मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, फरवरी मंथ में आपको क्या देखना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पिछले मंथ आपसे बहुत सारे मेकअप की वीडियो शेयर की है, तो प्लीज़ आप मेरी मेकअप की वीडियो को चेक कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन हो सकता है मैं ड्रॉप कर दूँ मेकअप की वीडियो, थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि रेगुलर मेकअप देख के आप भी बोर हो गए होंगे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से करना है, मेरे क्लाइंट को फ्रंट में भी चाहिए था हाईलाइट, तो मैंने उनसे पूछ लिया था। ये सब क्लाइंट से पूछ लोगे कि मैम आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, उनको ना थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट चाहिए था फ्रंट में, सो इसलिए मैंने पूछ के किया था। सो अगर आपके क्लाइंट को मतलब जैसा पसंद है ना वैसा करो, मैं तो बोलूँगी पूछ के करो, उससे ज़्यादा सही रहता है। बस ये हो जाने के बाद जैसे ही फ्रंट का प्रोसेस मैंने ख़त्म किया ना, पीछे के हो चुके थे हाइलाइट्स इस तरह से आप देख सकते हो। सो अब मैंने क्या किया, जो हेयर में हमने हाइलाइट्स नहीं किए हैं हम उसको अलग कर रहे हैं एंड उसमें हम लगाएंगे रबर। इससे क्या होगा, आपका ना जो हाइलाइट्स है एंड जिसमें आपने हाइलाइट्स नहीं किया है वो मिक्स नहीं होगा हेयर, क्योंकि हमें 2 कलर देना है, वो ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा। अगर हमें 2 कलर नहीं देना होता है ना, तो सिंपली हम शैम्पू सेशन पे क्लाइंट को ले जाते हैं, हेयर को अच्छे से वॉश कर देते हैं प्लेन वाटर से, आप शैम्पू भी कर सकते हो, नेक्स्ट हम कलर डिपॉजिट शैम्पू सेशन पे ही कर लेते हैं। बट मेरे क्लाइंट को 2 कलर मुझे देना था एंड मुझे आपसे वीडियो भी शेयर करना था, तो शैम्पू सेशन के पास मैं वीडियो अच्छे शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने सोचा पार्लर में ही कर लेती हूँ सो ताकि आपको मैं शो करूँ। तो इस तरह से आपको अच्छे से पहले हेयर को सेपरेट कर लेना है रबर की मदद से, जैसे मैं कर रही हूँ, छोटा छोटा आप देख सकते हो पोर्शन लेके आपको अच्छे से टाई कर लेना। इसमें हमें कलर बाद में डिपॉजिट नहीं करना होगा। सो कलर भी आ चुका है आप देख सकते हो, जो कलर हमें चाहिए होता है।
सो उसके बाद आप फ्रंट के हेयर को हल्का हल्का मिक्स कर दो। अगर ब्राउनर पाउडर बाउल में रह गया, मेरा रह गया था, तो मैंने हल्का हल्का और मिक्स कर दिया ताकि जल्दी थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाए, क्योंकि पीछे का प्रोसेस हो चुका था। तो जैसे ही पीछे का प्रोसेस हो गया था, मैंने क्या किया, ट्यूब जो होता है ना हम यूज़ करेंगे, उसको अच्छे से बना लिया मिक्सचर को बेसिकली। सो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लॉरियल का यूज़ किया 8.3 गोल्डन ब्लॉन्ड, गोल्डन लाइट ब्लॉन्ड, एंड एक मैंने यूज़ किया है स्ट्रिक्स का 5.66 नंबर, ये है इंटेंस रेड लाइट ब्राउन 5.66 नंबर। सो आपको इन दोनों का यूज़ करना है, आप क्लाइंट से पूछ लोगे, मैंने अपने क्लाइंट से पूछ लिया था। डिपेंड करता है ना गाइस, आपके क्लाइंट क्या करवाना चाहते हैं, ज़रूरी तो नहीं है जो मैं करवा रही हूँ या जो मैं कलर दे रही हूँ वही आपके क्लाइंट करवाए। नेक्स्ट आपको चाहिए 20 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम यूज़ होता है कलर डिपॉजिट के लिए। ये ना उसी हेयर में डिपॉजिट करेगा कलर जिस हेयर में हमने हाइलाइट्स किए हुए हैं, प्री लाइटनिंग किए हुए, ये उस हेयर में नहीं चढ़ता है। तो एक मैंने 5.66 अलग बाउल में निकाल लिया है, एंड दोनों में अलग अलग निकाल लिया, एंड इस तरह से डेवलपर अच्छे से निकाल लिया है। एक में थोड़ा सा डेवलपर ज़्यादा चला गया था तो मैंने इसमें मिक्स कर लिया। सो इन दोनों का रेशियो भी 1:1 ही रखना है गाइस, ज़्यादा मत रखिएगा, मतलब 1:2 मत कीजिएगा, 1:1। नेक्स्ट आपको बाउल लेना है, बड़ा सा मैं एक बाउल ले लिया, एक छोटा सा मैंने, एंड आप क्लीन टॉवेल ले लीजिएगा इस तरह का, या कोई भी क्लीन कपड़ा जो कि क्लीन होना चाहिए, सिर्फ आप हेयर में यूज़ करते हो। सो ये मैंने हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ। सो इसकी मदद से मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एंड एक बार मैंने बाउल में भी हेयर को डिप कर दिया था, वो मैं दिखाना भूल गई, मैंने क्या बोला, क्लाइंट थे 2-3 एक्स्ट्रा मेरे पास, तो होता है ना, आप समझ सकते हो, क्लाइंट भी रहते हैं, उनको भी डील करना था, वीडियो भी शूट करना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छे से पहले आप क्लीन कर लेना, टिश्यू भी आप ले सकते हो, एकदम रफ हैंड से मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। एंड वाटर जैसे आपने देखा बाउल में मैंने रखा, छोटा सा मैंने एक और बाउल लाया था, उसमें हेयर को डिप करके अच्छे से क्लीन कर लिया। बिल्कुल भी ब्लॉन्डर पाउडर का जो पार्टिकल होता है ना गाइज, वो नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहेगा तो हम जो कलर डिपॉजिट करेंगे ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छे से क्लीन करते जा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ज़्यादा मैं गोल्डन ब्राउन कलर दूंगी एंड रेड में कम ही दूंगी, इंटेंस रेड लाइट ब्राउन। तो मैं यहाँ पे अब एप्लीकेशन स्टार्ट कर रही हूँ गाइज। उस दिन ग्लव्स मैं पहनना भूल गई, उसके लिए एकदम माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत लोगों का कमेंट भी आ जाएगा कि आपने ग्लव्स वेयर नहीं किए। सो मैं क्या बोल रही थी कि रस जब रहता है ना तो मेरा ध्यान नहीं रहता है, तो विदाउट ग्लव्स ही मैंने एप्लीकेशन किया है। बट आप ग्लव्स पहन के करोगे, मैं हमेशा ग्लव्स पहनती हूँ, उस दिन मैंने नहीं वेयर किए थे तो उसके लिए सॉरी, बट आप ज़रूर वेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपके हैंड में प्रॉब्लम हो सकती है एंड आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो अब मैंने सबसे पहला शेड यूज किया था गोल्डन कलर, तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से कलर को अच्छे से लगा देना है एंड छोटा सा पोर्शन कट कर लीजिएगा, एल्युमिनियम फॉइल का क्लीन रहना चाहिए, एंड इस तरह से रोल कर देना। इससे क्या होगा गाइज, आपका दोनों कलर मिक्स नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, एक एक पोर्शन क्लीन करती जा रही हूँ, जो भी पोर्शन क्लीन हो रहा है एंड उसमें अब कलर डिपॉजिट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे रेड कलर डिपॉजिट कर रही हूँ, यानी कि रेड ब्राउन कलर 5.66 नंबर। सो गाइज, मैंने ना ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ पे ब्लॉन्ड करना है, यहाँ पे रेड करना है। मैंने रैंडमली एक एक हेयर में, मतलब होता है ना, कहीं पे मैंने ब्लॉन्ड दिया, कहीं पे मैंने रेड कलर डिपॉजिट किया, ऐसे ऐसे किया, रैंडम, मतलब आप ऐसा समझो। एंड गाइस, जैसे मैंने रेड कलर को डिपॉजिट किया था एंड मेरी एक स्टूडेंट ने, उन्होंने लाइट ब्राउन कलर डिपॉजिट किया, क्योंकि हम दोनों का हैंड अलग अलग है। सो मतलब एक ही हाथ से हम दोनों कलर नहीं ना दे सकते, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा। सो एक तरफ वो क्लीन भी करती जा रही है एंड मैं डिपॉजिट करती जा रही हूँ। एंड मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ गई थी, मैंने बिना ग्लव्स के किया था, तो मैं बार बार बोलूँगी आप ग्लव्स के साथ ही कीजिएगा। मुझे तो भी रहता है ना, तो दिमाग मेरा तभी काम नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये गोल्डन कलर को अप्लाई कर रही है, आप देख सकते हो, अच्छे से इमल्सीफाई करके एंड क्लीन हेयर में गाइज, मैं बार बार बोल रही हूँ क्लीन हेयर में कीजिएगा। एंड अल्मोनियम फॉल को छोटे छोटे पोर्शन में कट कर लीजिएगा एंड बस उसको रोल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपने जो रेड कलर को अप्लाई किया है एंड ब्राउन कलर को अप्लाई किया है, वो मिक्स नहीं होगा। दोनों बाउल में अलग अलग लेके खड़ी थी, तो बस पहले अच्छे से मैंने बोला कि एक ही कलर डिपॉजिट कर देती हूँ। एंड इनको ज़्यादा चाहिए था गोल्डन कलर, मेरे क्लाइंट को रेड का थोड़ा हिंट मुझे कम ही देना था, यानी रेडिश ब्राउन का। सो यहाँ पे अच्छे से एप्लीकेशन हो रहा है गाइज, आप देख सकते हो मैंने दोनों बॉल लिया है एंड ज़्यादा क्वांटिटी मैंने गोल्डन ब्राउन की ही निकाली है। सो ये वाला प्रोसेस आप शैम्पू सीजन पे भी कर सकते हो गाइज, बट मैंने बोला कि शैम्पू सीजन के पास ना इतनी अच्छी लाइटनिंग नहीं है मेरी, तो इस वजह से मैंने पार्लर में शूट किया है।
ये प्रोसेस आप आराम से सेम पोजिशन पे भी कर सकते हो। क्लाइंट से पूछ लीजिएगा अगर उनको रेड का क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए ना हेयर में, यानी कि उनको ब्राउन का कम चाहिए, तो आप रेड ज़्यादा डिपॉजिट करोगे यानी रेडिस ब्राउन। बट मेरी क्लाइंट को ज़्यादातर गोल्डन में चाहिए था, यानी ब्लॉन्ड में चाहिए था, लाइट ब्लॉन्ड आप बोल सकते हो, तो इसलिए ज़्यादा पोर्शन हमने इसका रखा है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा हेयर बच गए थे उस पर मैं खुद से डिपॉजिट कर रही हूँ रेडिस ब्राउन शेड को। एंड इस कलर को हम कितने देर के लिए रखेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए रखेंगे, मैक्सिमम 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। 15 मिनट के अंदर आराम से कलर चढ़ जाता है जो हमें चाहिए होता है। एंड ये अगर आपके ब्लैक हेयर में लग भी जाता है ना गाइस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस कटिंग सीट ज़रूर अच्छे से वेयर करवा दीजिए क्लाइंट को, अगर ये क्लाइंट के कपड़े में लग जाएगा ना तो दाग पकड़ लेता है। सो ये सब बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये सब जब आप प्रोसेस करते हो आपको चेयर को भी अच्छे से क्लीन करना है, बाउल को अच्छे से क्लीन करना है। 15 मिनट हो गया, इसके बाद अच्छे से शैम्पू दो बार कर लेना है, कंडीशनर यूज़ कर लेना है। तो कंडीशनर के लिए मैंने स्पा क्रीम का यूज़ किया था लॉरियल का, तो अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनर कर लेना है। तो शैम्पू एंड कंडीशनर कर देने से फ्रेश हेयर हो जाता है एंड कोई भी पार्टिकल नहीं रहते हैं हाइलाइट्स के। सो यहाँ पे स्पा क्रीम यूज़ हो रहा है कंडीशनर के जगह पे, ताकि हेयर नरिश नज़र आए। एंड इसके बाद हम करेंगे ब्लो ड्रायर एंड सीरम अप्लीकेशन, जो भी होता है पार्लर में प्रोसेस आप जानते ही होंगे। सो बस मुझे ज़रूर बताइएगा ये वाला हाइलाइट आपको कैसा लगा। एंड गाइस प्लीज़ मतलब होता है नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा कि आपने ग्लव्स वेयर नहीं किए, मैंने बताया ना कि रस रहता है तो मैं वेयर नहीं करती हूँ, अदरवाइज मुझे पता है कुछ ना कुछ लोग कमेंट करने आ ही जाते हैं, इसलिए मतलब आप लोग प्रॉब्लम नहीं समझते हो, कमेंट कर देते हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सो गाइज आपको दिख रहा है दोनों कलर कितना प्यारा आया, एंड मैं कर्ल्स करूँगी ना इसके बाद तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सीरम के लिए स्ट्रिक्स का यूज़ किया गया है। एंड गाइज मतलब आप कलर देखो, बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था मेरे क्लाइंट के फेस पे, एकदम ये लाइट ब्राउन टाइप का आया है आप देख सकते हो। एंड इसमें हल्का हल्का हिंट है रेडिस ब्राउन का, सो ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कर्ल्स में तो ये और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड ये वाला कलर ना फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे अच्छा लगेगा गाइस, ये डीपर पे आप मत कीजिएगा, डीपर स्किन टोन पे ये वाला कलर तो वो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा वॉश ऑफ कर देगा उनके फेस को एंड हो सकता है उन पर सूट ना करे। सो फेयर स्किन टोन पे ये वाला हाइलाइट बहुत अच्छे से सूट करेगा। अब अच्छे से मैं कर्ल कर रही हूँ, कर्लिंग मशीन के लिए मैं आइकॉनिक का कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का कलर यूज़ कर सकते हो। सो कर्ल कर देने से थोड़ा सा फिनिशिंग आता है एंड मुझे थोड़ा सा पिक्चर्स क्लिक करना था, सो इस वजह से यहाँ पे मैं अच्छे से कर्ल्स कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी फाइनल रिजल्ट। एंड मेरे क्लाइंट को भी काफ़ी अच्छा लगा था हाइलाइट्स, क्लाइंट को अगर अच्छा लगे तो आप समझ जाओ कि आपने अच्छा वर्क किया है। सो बस ये है फाइनल रिजल्ट गाइस, कहीं कहीं हिंट आ रहा है रेड का, आप देख सकते हो नीचे से कितना प्यारा लग रहा है, फ्रंट से ज़्यादा मैंने ब्लॉन्ड ही रखा था। सो अगर आप ये वाला हाईलाइट ट्राई करते हो घर पे मेरी वीडियोस को देख के, तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी थोड़ी सी भी, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन रहता है छोटा सा, उसको क्लिक कर दीजिए एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी कोई फ्यूचर वीडियो मिस नहीं होगी। एंड गाइस मुझे कमेंट करके बताइए ये वाला हाइलाइट आपको कैसा लगा। सो मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ, पिक्चर्स में तो और ज़्यादा अच्छा लगा था रेड एंड ब्लॉन्ड का शेड। सो बस यही रहा फाइनल रिजल्ट गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर 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 अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो और किस तरह की वीडियो आपको देखनी मेरे चैनल पर कमेंट डाउन बिलो। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, मैं बाय बाय एंड टेक केयर।